कानपुर में शहीद दिवस के खास मौके पर मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य राकेश मिश्रा ने सीओडी पुल का नाम बदलकर शहीद सेतु रखने की मांग की है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीर पर माला डालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही इंकलाब जिंदाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। इस दौरान राकेश मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निकम्मी सरकारें इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा तक न दिला पाई तो भारत रत्न मिलना तो बहुत दूर की बात है। मेरे द्वारा जो है आज सीओडी पुल का जो है नामकरण शहीद सेतु रखने का प्रयास किया गया था, परंतु पुलिस ने कल से ही मेरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। मेरे घर पर नाकेबंदी लगा दी गई है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पुल का नामकरण अवश्य करूंगा, क्योंकि जिनको हमने वोट देकर के चुना था उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व एक स्टेडियम का सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मायावती बहन मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी मूर्तियां लगवा ली और इंदिरा गांधी एवं स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से भारत रत्न ले लिया गया। आज इन निकम्मी सरकारों ने आज तक भगत सिंह शहीद, सुखदेव व राजगुरु को शहीद का दर्जा न दिला पाई तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार इनको भारत रत्न देगी। हम लोग वोट देकर 5 साल के लिए सरकार चुन लेते हैं और चुने हुए लोग सदन में पहुंचकर जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीद भगत सिंह को भूल न जाएं, इसलिए मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस पुल का नाम शहीद सेतु रखने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।